आम आदमी पार्टी में चल रहे विवाद के बीच आज का दिन बेहद अहम है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पैसे लेने का आरोप लगाने वाले कपिल मिश्रा आज सीबीआई दफ्तर जाने वाले हैं। सुबह 11:30 बजे कपिल मिश्रा सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। कपिल मिश्रा आज केजरीवाल के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। थोड़ी देर पहले कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अरविंद केजरीवाल पर फिर आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने कहा कि वो केजरीवाल की हर चाल से वाकिफ हैं और वो केजरीवाल के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। कपिल मिश्रा ने कहा कि आज विधानसभा के विशेष सत्र में केजरीवाल खुद ही जज और खुद ही गवाह बन जाएंगे। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को चुनौती दी कि दोनों अपनी अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा देकर उनके खिलाफ किसी भी सीट से चुनाव लड़कर दिखाएं। कपिल मिश्रा ने कहा कि जिनसे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना सीखा उन्हीं के खिलाफ वो आज एफआईआर दर्ज करवाने जा रहे हैं। अब तक 211 शिकायतें पार्टी और सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई मुझ तक पहुंची हैं। जो कुछ पिछले दो सालों में पर्दे के पीछे हुआ है वो बहुत दुखद है, बहुत दर्दनाक है। देश का भरोसा तोड़ा है आपने और आपके साथ के 4-5 साथियों ने मिलकर। अरविंद जी, आज मैं अकेला हूँ, सब कुछ मिटा देने के कगार पर हूँ, पर अड़ा हूँ और डटा हूँ। आपकी सारी ताकत, सारी सरकार, सारा पैसा, सारे लोग एक तरफ और मैं अकेला। आशीर्वाद दीजिए। आज आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊंगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, माफी चाहता हूं। आपके जवाब का इंतजार है। मुझे ये बताया गया है कि आप मेरी विधानसभा की सदस्यता खत्म करवाने की तैयारी कर रहे हैं। व्हिप के द्वारा मुझे विधानसभा से हटवाने की तैयारी की गई है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना कहना चाहता हूं, अगर थोड़ी सी भी नैतिकता आज आपके अंदर बची है, अगर थोड़ा सा भी भरोसा है आपको अपने आप पर, तो मेरी एक चुनौती स्वीकार कर लीजिए। मेरी करावल नगर की सीट या आपकी नई दिल्ली की सीट आप चुन लें। मैं भी इस्तीफा देता हूं और आप भी चुनाव के मैदान में आ जाइए। सीट आपकी मर्जी की, आपके पास पैसे की ताकत है, लोगों की पूरी टीम है और मैं अकेला हूं। आइए लड़ते हैं चुनाव। है आप में हिम्मत जनता का सामना करने की? कुर्सी जाने का अगर आपको डर है तो बिना इस्तीफा दिए करावल नगर की सीट से मेरे सामने चुनाव लड़ लीजिए। मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। और जनता के साथ का आपको भरोसा है तो अपनी नई दिल्ली की सीट से चुनाव लड़ लीजिए। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। और आपको बताते हैं कि किस तरह से ट्वीट किया है कपिल मिश्रा ने। उन्होंने कहा है कि वो सीबीआई में 3 केस दर्ज करवाएंगे। कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो पहला केस सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल के बीच कैश के लेन देन को लेकर दर्ज कराएंगे। और कपिल मिश्रा ने कहा है कि वो दूसरी एफआईआर सत्येंद्र जैन के खिलाफ करवाएंगे। उनके मुताबिक सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाया, इस संबंध में यह केस होगा। और कपिल मिश्रा ने कहा कि वो तीसरी एफआईआर सत्येंद्र जैन, आशीष खेतान, राघव चड्ढा, संजय सिंह और दुर्गेश पाठक के विदेश दौरों के खिलाफ कराएंगे। कपिल मिश्रा के मुताबिक इन नेताओं ने अवैध धन का इस्तेमाल कर विदेश दौरे किए हैं। और ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। ब्रजेश, जिस तरीके से बातें रखी हैं कपिल मिश्रा ने, ये आधुनिक महाभारत की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। जैसे गुरु द्रोण को अर्जुन ने ललकारा था, उसी तरह से ललकार रहे हैं कुछ कपिल मिश्रा केजरीवाल को। क्या पलटवार हुआ है उस तरफ से, क्या जवाब आया है केजरीवाल साइड से? बिल्कुल, देखिए अजीत, जिस तरीके से पार्टी का एक आकस्मिक प्रादुर्भाव हुआ था, जिस तरीके से एक हैरतअंगेज था कि एक पार्टी इतने कम दिनों में दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो जा रही है, तो कहीं कमोबेश उसी तरीके जितनी तेजी से जो है ये पार्टी अपने आप में बढ़ी, उतनी तेजी से अब धीमे धीमे खत्म हो रही है, वो भी उन्हीं के लोगों द्वारा। कोई बाहरी इनका जो है नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि खुद आप देखिए, ये 5वां विधायक है आम आदमी पार्टी का जिसको खुद केजरीवाल को पार्टी से सस्पेंड करना पड़ा है। अपने आप में अब इससे बड़ी हास्यास्पद बात क्या होगी। कई मंत्री अब तक बाहर निकाले जा चुके, कई विधायक अब तक जेल जा चुके, और अभी जिस तरह से 3 दिनों से ये पूरा ड्रामा चल रहा है जी, वो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है कि आखिर पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। क्या वाकई में ये वही ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स और वही ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी है जिसके नेता आज एक दूसरे के ऊपर ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? अब जिस तरह से कपिल मिश्रा ने जबरदस्त, गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं केजरीवाल और उनके 4-5 साथियों पर,
तो वो जवाब उन सॉलिड बिंदुओं पर कोई जवाब नहीं दे रहा। ठीक है, आज कपिल मिश्रा की जो मूवमेंट है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 3 FIR हम दर्ज करवाएंगे सीबीआई में, क्या वो विधानसभा सत्र में भी शामिल होंगे? और विधानसभा सत्र के लिए विशेष सत्र जो बुलाया है केजरीवाल ने, उसके लिए किस तरह की तैयारी है केजरीवाल साहब की? अब देखिए, यूं तो जब विधानसभा का विशेष सत्र इस पूरे हंगामे से पहले बुलाया गया था और तब मुद्दे दूसरे थे, लेकिन अब चूंकि जिस तरह का 3 दिन का घटनाक्रम घटा है उसके बाद मुद्दे पूरी तरीके से बदल चुके हैं। अब कपिल मिश्रा इस विधानसभा के विशेष सत्र में जाएंगे या नहीं, इसका खुलासा 12 बजे के बाद होगा जब वो सीबीआई से वापस आएंगे। लेकिन फिलहाल 3 FIR दर्ज कराकर उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के खिलाफ जंग का ऐलान साफ तौर पर कर दिया है। अब देखना यह कि विशेष सत्र में किस तरह का जवाब आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की तरफ से आता है। आप रहिए हमारे साथ, हम फिर लौटते हैं आपके पास। और आपको बताएं कि कपिल मिश्रा के आरोपों के बाद दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। 1 दिन का विशेष सत्र आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब ट्विटर के जरिए दिया। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि जीत सत्य की होगी। इसके साथ ही केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी ऐलान किया। और इसी बीच आज दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। सत्येंद्र जैन कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देंगे। हालांकि कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को केजरीवाल की चाल बताया है। आपने छल कपट झूठ और भ्रष्टाचार का एक चक्रव्यूह बनाया है, मैं उसको तोड़ने निकला हूं एकदम अकेला। इस चक्रव्यूह के अंदर आप मुझे घेरोगे, हमले करोगे, अपयश फैलाओगे, झूठा साबित करोगे। मुझे पता है आज आप विधानसभा में खुद ही अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करोगे, अपने ही विधायकों से तालियां बजवाएंगे, खुद ही मुजरिम, खुद ही जज और खुद ही गवाह बनेंगे आज आप विधानसभा के अंदर। मुझे ये बात मालूम है। खुद के लिए तालियों और मेरे लिए गालियों के बीच बस इतना ध्यान रखिएगा, मैं आपकी हर चाल को जानता हूँ, पहचानता हूँ। मैं एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा हूँ। सीबीआई को जो कुछ मुझे पता है और जो कुछ मैंने देखा है आज सब बताऊंगा। वो घर आपका है, उस घर के मुलाजिम आपके हैं, उस घर का सारा सिस्टम आपका है, सारे गवाह आपके हैं, सारे लोग आपके हैं, लेकिन मैं फिर भी ये भरोसा दे रहा हूँ, आपसे सीखा है, यथाशक्ति लड़ूंगा। या तो आपके चक्रव्यूह को तोड़कर विजय प्राप्त करूंगा या फिर अभिमन्यु की तरह घेर कर मार दिया जाऊंगा। मुझे दोनों स्वीकार है। आज सदन के अंदर हम इस बात का सवाल करेंगे केजरीवाल जी से, आप ईमानदारी के बड़े राग अलापते हैं, आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे, जिस शीला दीक्षित के खिलाफ आप जेल भेजने की बात कर रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री को, आप उन्हीं के बनाए हुए कॉन्ट्रैक्ट जिन पर आपने आपकी फैक्ट फाइंडिंग ने खुद कहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप उन्हीं कंपनियों से पानी की सप्लाई ले रहे हैं, क्यों ये घालमेल क्या है? क्यों ये भ्रष्टाचार को, दो बड़े मामले भ्रष्टाचार के जिनका जवाब केजरीवाल जी को देना होगा कि 11 महीने तक भ्रष्टाचार की फाइल को क्यों दबाया पानी टैंकर घोटाले की, और दूसरा सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने के लिए खुद सीबीआई को आदेश क्यों नहीं दे रहे, अपने मंत्रिमंडल में क्यों रखे हुए हैं? मैं आज वहां सदन के अंदर दस्तावेज पेश करूंगा।